प्रेसिडेंट द विंडो की तरफ लीन होता है, मिस्टर जान का पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है। मिस्टर जान मन में सोचते हैं यह लिटिल मॉन्स्टर। मिस्टर जान प्रेसिडेंट जाओ के बट पर हिट करते हैं और कहते हैं यहाँ आओ और डॉक्यूमेंट्स को देखने में मेरे साथ चलो। प्रेसिडेंट जाओ कहते हैं हे। मिस्टर जान प्रेसिडेंट जाओ को कहते हैं क्या तुम क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन चुराने का प्रयास नहीं कर रहे हो। मिस्टर जान अपनी थाई पर टैप करते हैं और कहते हैं अपने आप को हिलाओ और बैठ जाओ, मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जो तुम चाहते हो। प्रेसिडेंट जाओ सेक्रेटरी यू को कॉल लगाते हैं और कहते हैं आफ्टरनून में मुझे पिक करने आ जाना, जब तुम आओ तो मेरे लिए फॉर्मल सूट लेके आना। सेक्रेटरी यू कहते हैं यस मिस्टर जाओ। बाजाओ कंपनी को दिखाया जाता है, दोपहर के 5 बजे होते हैं। सभी एम्प्लॉयज प्रेसिडेंट जाओ को ग्रीट करते हैं और बाय कहते हैं। प्रेसिडेंट जाओ सेक्रेटरी यू को मैसेज करते हैं कि मेरी कार शिफी में, तुम मुझे राइड दो। सेक्रेटरी यू कहते हैं यस मिस्टर जाओ। प्रेसिडेंट जाओ पार्किंग लॉट में कार का वेट कर रहे थे, मिस्टर जान प्रेसिडेंट जाओ को पिक करने आए थे। प्रेसिडेंट जाओ पूछते हैं तुम मुझे क्यों पिक कर रहे हो। प्रेसिडेंट जाओ मन में सोचते हैं अप्रत्याशित रूप से उसे एक्चुअली में मेरी कंपनी का एड्रेस याद है। उसका ब्रेन क्विकली रिकवर हो गया। मिस्टर जान प्रेसिडेंट जाओ को पकड़कर उन्हें कार की तरफ पुश करते और कहते हैं मैन ऑफकोर्स केवल मैं ही तुम्हें पिक कर सकता हूँ, मैं तुम्हें किसी और की कार में बैठने की परमिशन नहीं देता। मिस्टर जान प्रेसिडेंट जाओ को कहते हैं याद रखो तुम मेरे आदमी हो। प्रेसिडेंट जाओ मन में सोचते हैं यह रेजिलाइन, ये अप्स एंड डाउन्स और ये अनसेंटेड वॉइसेस कैसा नाइटमेयर है। प्रेसिडेंट जाओ और मिस्टर जान को ऐसा देख एक एम्प्लॉय बोलती है वाओ वह कौन है जो कार पर सहारा ले रहा है। दूसरी एम्प्लॉय बोलती है क्या तुमने नहीं देखा कि ये प्रेसिडेंट जाओ की कार है। एक एम्प्लॉय बोलती है क्या ये प्रेसिडेंट जानी है। जीस ओल्ड हस्बैंड अब भी इस तरह खेल सकता है। दूसरी एम्प्लॉय बोलती है मैं चाहती हूँ कि मेरा हस्बैंड भी उतना ही रोमांटिक हो। प्रेसिडेंट जाओ मिस्टर जान से कहते हैं घर चलो। प्रेसिडेंट जाओ कहते हैं तुमने लेफ्ट टर्न क्यों लिया, यह बहुत दूर है, मुझे कल काम पर जाना है, आज रात डाउनटाउन अपार्टमेंट चलते हैं। मिस्टर जान प्रेसिडेंट जाओ को कहते हैं बेबी घर जाने के लिए अभी भी जल्दी है, क्या तुम अपने ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए इतने इंपेशेंट हो। प्रेसिडेंट जाओ पूछते हैं तो फिर हम कहाँ जा रहे हैं। मिस्टर जान कहते हैं मनोरंजन के लिए जगह पर। प्रेसिडेंट जाओ की वॉच में उनके डेट का कॉल आता है, वह बोलते हैं यान्यान क्या तुम्हें काम से छुट्टी मिल गई, लड़की का क्या हुआ। प्रेसिडेंट जाओ का पुराना नाम जावयान था। प्रेसिडेंट जाओ कहते हैं हम अभी अभी काम से निकले हैं, वह ड्राइव कर रहा है। प्रेसिडेंट जाओ मन में सोचते हैं जब से उसने मेरे पिता का फेवर जीता है उन्होंने उसका नाम बदलकर चेंचन और क्लेवरसन रख दिया है, उन्होंने अचानक उसे दैट बॉय क्यों बुलाया, क्या हुआ। प्रेसिडेंट जाओ के फादर कहते हैं ठीक है, बूढ़े लोगों ने मुझे कुछ लॉबस्टर्स भेजे, तुम दोनों को वीकेंड पर घर जाना चाहिए। प्रेसिडेंट जाओ मन में सोचते हैं उसने जल्दी ही खुद को करंट प्लॉट में इमर्स कर लिया है जहां उसे अपने पिता को बचाना है और अपना कर्ज चुकाना है, इस बार घर न जाना ही बेटर होगा। प्रेसिडेंट जाओ अपने फादर से कहते हैं हमें वीकेंड पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है, समय आने पर इस पर फिर बात करते हैं। प्रेसिडेंट जाओ कॉल काट देते हैं। मिस्टर जान कहते हैं हम पहुंच रहे हैं। प्रेसिडेंट जाओ नाइट क्लब को देख के शॉक हो जाते हैं।